शब्द ही कहेगा, ये भारत की संस्कृति है। ये प्रधानमंत्री अमित शाह दोनों पता नहीं कहां से आया धरती पर, हमको नहीं जानता, कोनो इतिहास का ज्ञान का पता नहीं। ये जोगी संविधान का शपथ लिया, आई शरद छाप आदम को कहता बदला लेंगे, खून का आंसू बहाएंगे। सर पुलिस के वर्दी में यदि पुलिस को जाति बना दोगे, पासवान झा मंडल हिंदू, तो देश बचेगा? हमारा फौज पत्रकार जी लगभग 21.5% दहेजों में जलाने की संख्या है, हम लोगों तंग करने की संख्या, तलाक में आदमी इसको खोज करके फिर भी कुछ नहीं हुआ। 370 हुआ, इन्होंने कहा मुझ मेरा 370 से क्या लेना, बोला ना कहीं कुछ हुआ इसमें कि हुआ। मंदिर मस्जिद के सवाल पर कोर्ट ने कहा कि राम का जन्म का प्रमाण अयोध्या में नहीं है। क्या हो गया बिगाड़े को, क्या हो गया दीप बचाने वाले को, क्या हो गया उस मस्जिद में अजर देने वाले को? आप क्यों नहीं निकलते? मौजू पर बोलने का सच हासिल हुआ है, वो है आज का हिंदुस्तान। सर जो उठते हैं झुकते नहीं ललकार से, सर जो उठते हैं झुकते नहीं ललकार से, हाथ जिन में हो जुनू कटते नहीं तलवार से, हाथ जिन में हो जुनू कटते नहीं तलवार से। हम तो निकले ही थे घर से बांध के सर पे कफन, जहाँ तेरी पल्ली है लो पर चले ये कदम, दिल में है तूफानों की डली और नफ्स में है इंकलाब, होश दुश्मन क्यों उड़ा देंगे हमेरा कौन आज, होश दुश्मन तलाता के बिल के ऊपर सांसद में, वो ये वही है कि जो कुरान के आयतों को पढ़ करके उन्होंने तलाक के सलाता के बिल के ताल्लुक से बताया, ये वही है पप्पू यादव। याद रखिएगा कि ये जन अधिकार के मुखिया पप्पू यादव साहब जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं और लोगों के जन जन में जाकर लोगों को बताते हैं और हमदर्द हैं, जो लोगों के दर्द को समझते हैं और लोगों के दर्द को समझ कर खुद अपने हाँ, बाल हल्ला बोल, बाल हल्ला बोल।
बात पर अब जेएनयू पर लगातार जिसकी सत्ता नीतीश कुमार आप चला रहे हो उसके गुंडे सड़क छाप के तरह इस मुल्क के आइडियोलॉजी पर और इस मुल्क के संवाद और विचारों ऑडियो तो आ रहा है की आवाज देने वाले जेएनयू पर दिल पर हमला किया गया, विद्या के मंदिर को चौपट किया गया, पूरा मुल्क आज डरा हुआ है। अब तो घर बाकी बच गया है। नीतीश लालू मुलायम कब बोलोगे, कब ट्वीट करोगे ये पूछना चाहता है। हरियाली ये तुम्हारे ये श्रृंखला यदि करना होना नीतीश तो इस मुल्क को बचाने के लिए करो, इस मुल्क में नफरत को रोकने के लिए करो, बेरोजगारी के लिए करो, रोजगार देने के लिए करो, एजुकेशन के लिए करो। यह मुल्क का इंसान ही नहीं बचेगा, वतन ही मिट जाएगा। नीतीश और लालू तुम्हारा ट्विटर कहाँ बंद हो गया? अरे मुलायम सिंह और मायावती और देश के विपक्ष से जानना चाहता हूँ, संविधान और लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में समाप्त हो गया, जेएनयू जामिया डीयू में बच्चे चिल्ला रहे हैं, डर और भय के वातावरण में जी रहे हैं, गुंडे मार रहे हैं, अंबेडकर नेहरू और गांधी की आइडियोलॉजी को समाप्त करने में लगे हैं। तुम हरियाली पैदा कर रहे हो, बेटी का बलात्कार हो रहा है तुम्हारे पटना में, तुम हरियाली बनाओगे? तुम इस वतन में देश के 73% लोगों पर के इतिहास पर हमला है, मुल्क को गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है, मुल्क को नफरत के बीच बांटने की तैयारी हो रही है, तुम हरियाली कर रहे हो? तुमको आंख में सफल होगा, तुमको आंख में नहीं नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में जोगी इस मानव श्रृंखला का पूरा प्रदेश विरोध करेगा, बायकॉट करेगा। मैं घोषणा करता हूं, इनसे ये क्यों नहीं पूछ रहे हो? ये सवाल मुसलमानों का कहां है? इनसे ये पूछो ना, एनपीआर को रोकोगे और सत्र मंगा करके आप सीए के खिलाफ जो केरल ने किया और ममता दीदी ने एनपीआर का घोषणा कर दिया यहां नहीं होगा लागू, तुम क्यों नहीं कहते हो कि एनपीआर यहां लागू नहीं होगा? केरल के तर्ज पर संविधान में तुम क्यों नहीं लाते हो? तुम्हारी औकात क्यों नहीं होती है? और आवाज क्यों नहीं दे रहे हो उत्तर प्रदेश के?